असल मकसद क्या है शेख रशीद ने बता दिया। साबिक वजीर दाखला शेख रशीद ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात का हाल बयान करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि इनकी इमरान खान से तफसीली मुलाकात हुई और इमरान खान को अंदाजा है कि मुल्क मजीद सियासी अदम इस्तेकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शेख रशीद का कहना था कि इलेक्शन नागुजीर है, सियासी और मुआशी इस्तेकाम कौमी सलामती का जामिन है। इलेक्शन 2 महीने पहले हों या बाद में पीडीएम की सियासत दफन हो गई है। उन्होंने अपने ट्विटर बयान में वाजे कर दिया कि असेंबली तोड़ना कोई मसला नहीं, तबाह हाल मईशत बचाना असल मकसद है। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि इमरान खान के साथ आधा घंटा मुलाकात हुई है। इमरान खान असेंबलियां तोड़ने के मौकफ पर कायम है। इमरान खान को परवेज इलाही की आशीर्वाद हासिल है। उनका मजीद कहना था कि गवर्नर राज और तहरीक अदम एतमाद रोड़े अटकाने की बातें हैं। हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करे और तारीख के लिए इमरान खान के पास आए। अब आर होगा या पार होगा। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।